और इस बीच बड़ी खबर उत्तराखंड से है। चंपावत उपचुनाव की तारीख तय कर दी गई है, 31 मई को होगा चंपावत उपचुनाव और 3 जून को चंपावत उपचुनाव की काउंटिंग होगी। सीएम धामी के लिए बीजेपी ने खाली कराई है चंपावत सीट और बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे से खाली हुई है चंपावत सीट। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से, चुनावी तारीख का ऐलान कर दिया गया है, उपचुनाव होना है और 31 मई को अब ये चुनाव होगा, 3 जून को नतीजे सामने आएंगे। तो सीएम धामी के लिए बीजेपी ने यह सीट खाली करवाई है, हालांकि जीत उनकी लगभग तय मानी जा रही है।